हेलो गाइस, वेलकम इन क्यू फिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे सामने एक ये बोर्ड रखा हुआ है। ये 1.5 टन आउटडोर यूनिट का बोर्ड है। ये हमारे पास जो आया है, जिस कस्टमर ने हमारे पास इसको भेजा है, उनका कहना ये है कि इसके अंदर जो है यहाँ पर डिस्प्ले पर इसके P1 का एरर आता है। तो आज जो है हम इसके अंदर जो भी एरर है उसको देखेंगे और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये इसका आउटडोर यूनिट का बोर्ड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो IPM लगे हुए हैं। ये BLDC फैन मोटर के लिए लगा IPM और एक इसके नीचे लगा हुआ है IGBT वगैरह। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है इसकी इंडोर की PCB है, कुछ इस तरीके की है। तो ये भी हमने कनेक्ट कर रखा है सब चीज़ यहाँ पर, ताकि हम इसको बिना टाइम वेस्ट किए जो है आपको चेक करा सकें कि इसमें जो एरर है वो किस तरीके का है। तो इसकी डिस्प्ले को जो है हम यहाँ पर रख लेते हैं और अभी इसको सप्लाई देते हैं और जो एरर है उसका वेट करते हैं आने का। तो यहाँ पर सप्लाई दे दी है हमने। ये जो इसकी डिस्प्ले आप देख रहे हैं, अभी इस पर लाइट आई थी, अब इसको हम स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे। तो इसको मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से और आप देखेंगे यहाँ पर एक LED जो है वो ब्लिंक कर रही है। ये नॉर्मल ऑपरेशन है। अगर ये फास्ट फास्ट ब्लिंक करेगी इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अभी इसकी इंडोर की जो मोटर है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ एक मिनट के अंदर जो है एरर आ जाता है इसके अंदर। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग जो एरर है वो कौन सा है। तो इसको यहाँ रख लेते हैं और वेट करते हैं एरर आने का। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो LED है ये ब्लिंक करने लग गई है और ये जो है यहाँ पर डिस्प्ले पे P1 का एरर जो है ये शो कर चुका है। तो इसके अंदर है P1 का एरर और इसी P1 के एरर को जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस जगह से है। तो अभी ये री अटैम्प्ट किया इसने दोबारा और फिर ये इस तरीके से अटैम्प्ट करता रहेगा और बार बार P1 का एरर जो है वो शो करता रहेगा। तो सबसे पहले इसका जो सप्लाई है, पहले इसको इंडोर से बंद करेंगे और इसकी सप्लाई जो है निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसका कंप्रेसर जो है वो तुरंत स्टार्ट करना है। तो इंडोर से इसको मैंने अभी बंद कर दिया है। अब इसके कैप्चर जो है अभी वो चार्ज हैं, ये कुछ सेकंड में जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं इसके एरर कोड में, अगर आप देखेंगे P1 का एरर कोड जो है तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये ओवर वोल्टेज और ओवर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है। इसका मतलब ये है कि या तो इसको इनपुट में वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर इसको वोल्टेज जो है वो बहुत ही कम मिल रहे हैं। तो हमारे पास तो यहाँ पर डीमर पे वोल्टेज हमें शो हो रहे हैं, यहाँ पर इसको करीब 259 वोल्ट के आसपास जो है, 250 के आसपास जो है वोल्टेज मिल रहे हैं AC के। तो वोल्टेज तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। अब इसमें ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से जो भी हमारा MCU अभी एरर बना रहा है वो कौन सी जगह है जहाँ से ये डिटेक्ट करता है कि इनपुट में और जो भी कैप्चर पर या AC इनपुट में कितने वोल्ट है वो कैसे डिटेक्ट करता है, वो सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो बोर्ड है हमारे पास, इसका सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर इसका नंबर लिखा हुआ है बोर्ड का। तो ये बोर्ड का नंबर जो है हमारे पास, इसका डायग्राम ऑलरेडी है। मैं आपको इसका जो डायग्राम है, अब इसके अंदर दो सर्किट ऐसे बने हुए हैं जहाँ से आप इसकी चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं है। तो बेसिकली इसके अंदर AC वोल्टेज डिटेक्ट करने के लिए तो कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक प्री DC लिंक सर्किट बना हुआ है और एक DC लिंक सर्किट बना हुआ है। वो मैं आपको शो करा देता हूँ कि वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है इसका मॉडल नंबर आ गया है PCB का और ये जो है इसका सर्किट डायग्राम है। ये आप देखेंगे ये DC लिंक का सर्किट डायग्राम है इस जगह पर। और ये आप देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है हमारा। ये हमारा मेन इंडक्टर है, ये रिएक्टर, और उसके बाद ये शॉटकी डायोड लगा है जो कि इसके नीचे है, शॉटकी डायोड। और ये जो मेन कैप्चर है हमारे 680 माइक्रोफेराड और 450 वोल्ट के, ये दोनों कैप्चर, ये दो कैप्चर लगे हुए हैं। उसके बाद जो है इसी 325 वोल्ट यहाँ पर टेस्ट पॉइंट पे बना हुआ है। यहाँ पर 191 और ये 1 मेगा ओम की रजिस्टर लग करके, ये लोकेशन नंबर है 191। इस बोर्ड में 191 जो होगा वो 1 मेगा ओम का होना चाहिए। उसके बाद जो ये सर्किट है, ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डिवाइडर बनेगा, 10K की रजिस्टर ग्राउंड से आएगी हमारे पास, और फिर आगे एक डायोड लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए और ये सीधा जो है MCU में इस तरीके से चला जाता है।
अभी हम क्या देखते हैं, ये हमारा डीसी लिंक सर्किट है। एक ये सर्किट हो सकता है इसके अंदर, एक इसके अंदर प्री डीसी लिंक सर्किट और होता है। तो ये इसका प्री डीसी लिंक सर्किट है। प्री डीसी लिंक सर्किट में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उस जो डीसी लिंक था उसके अंदर यहाँ से सर्किट बना हुआ था, लेकिन इसमें जो है ब्रिज के ठीक बाद से जो सर्किट बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री डीसी लिंक। ये एक्चुअल में इनपुट के वोल्टेज बताएगा और ये यहाँ पर कैप्चर पे कितने वोल्टेज हैं ये वाला सर्किट ये बताएगा। तो ये दोनों सर्किट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो इसके अंदर जो है ये दो सर्किट बने हुए हैं। इसकी बजाय यहाँ पर एसी लिमिटर सर्किट भी हो सकता था और यहाँ पर एक एसी लिंक सर्किट भी हो सकता था। तो सर्किट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो ये वाला सर्किट है, बेसिकली ये सर्किट यहाँ पर इसको एमसीयू को बताएगा कि इनपुट में या इस कैप्चर पर कितने वोल्ट हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इसके बहुत सारे डायग्राम हैं, लेकिन अभी हमें इन दोनों का ही काम है, तो हम इन दोनों को ही अभी देखेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पहला सर्किट है, ये प्री डीसी लिंक का। इसमें जो ब्रिज का पॉजिटिव है, ये देख सकते हैं ब्रिज का पॉजिटिव है, ये कट का निशान जो है ये पॉजिटिव का होता है। इस कट से और इंडक्टर से पहले यहाँ पर एक रजिस्टर लगी होगी, इसका लोकेशन नंबर है R189। तो ये 189 जो रजिस्टर लोकेशन नंबर है, ये 1 मेगा ओम के रजिस्टर है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी रजिस्टर, इसका लोकेशन नंबर है 188, ये 10K की रजिस्टर है। और ये फिर जो है हमारे ये C3, इसका लोकेशन नंबर, ये डायोड का नंबर है, ये एक्चुअल में SOT23 पैकेज में जो डायोड आता है वो है। और यहाँ पर D103 जो है ये इस डायोड का लोकेशन नंबर है। और ये सीधा फिर MCU में चला जाता है। तो MCU की कौन सी नंबर पिन पे जा रहा है, हम यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं टेस्ट पॉइंट के हिसाब से। तो ये हमें बता रहा है कि 3.2 वोल्ट प्लस 3.2 वोल्ट जो है MCU के पिन नंबर 85 पे जाएंगे। मतलब ये जो ब्लू वाला डॉट देख रहे हैं, यहाँ पर हमें मिलने चाहिए 3.2 वोल्ट। तो ये है हमारा प्री डीसी लिंक सर्किट। तो प्री डीसी लिंक सर्किट को अभी जो है हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। हमें R189 जो कि 1 मेगा ओम के रजिस्टर है और 188 जो कि 10K के रजिस्टर है, इनको चेक कर लेना है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो मल्टीमीटर को पहले यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। और ब्रिज तो इसके नीचे लगा हुआ है, तो पहले इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको जो है हम पहले खोल लेते हैं और उसके बाद जो है चेक करते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जो है हमने इसका हीट सिंक जो है वो बाहर निकाल लिया है। ये देख सकते हैं इसका हीट सिंक बाहर कर लिया है इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है और ये जो कट का यहाँ पर दिया हुआ है निशान, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से हमें ये रजिस्टर जो थी, इस पॉजिटिव से जो ब्रिज का पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से और इंडक्टर से पहले हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ होगा। तो ये यहाँ से जो ट्रैक है सीधा इस इंडक्टर के अंदर जा रहा है और फिर इससे आउटपुट होकर के डायोड पे जाएगा, ये इस डायोड पे, जो कि ये डायोड आप देखेंगे इस जगह पर लगा हुआ है। और उसके पहले जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर 189 1 मेगा ओम के रजिस्टर है। तो ये जो रजिस्टर है इसको भी हम देख लेते हैं कि ये जो रजिस्टर है यहाँ पर, इसका लोकेशन नंबर आप देखेंगे तो ये है R189 और ये 1 मेगा ओम के रजिस्टर है। तो इस जगह से हमें अभी चेक करना है इसका जो ये ट्रैक है ये कहाँ पर जा रहा है, और उसके हिसाब से फिर हमें ये दूसरा रजिस्टर जो है जिसकी लोकेशन नंबर 188 है 10 किलो ओम की, इस रजिस्टर को खोजना है। फिर हमें देखना है कि ये जो 85 नंबर पिन पे हमारी सप्लाई जाएगी, ये जो हमारी 85 नंबर पिन पे सप्लाई जाएगी वो किस जगह पे जा रही है। तो इस तरीके से हमें इसको चेक करना है अभी। तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर को ऑन करेंगे और इसको डालेंगे बजर मोड पर, और सबसे पहले ये जो रजिस्टर लगी हुई है इससे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, इसको मिल रहा है। यहाँ पर हम जो है इस रजिस्टर को भी मेज़र कर लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके से जो है ये हरकत कर रहा है मल्टीमीटर, और ये 4.2 मेगा ओम दिखा रहा है जबकि ये 1 मेगा ओम के रजिस्टर है। तो इसका मतलब ये रजिस्टर जो है आपको लगेगा ख़राब है, बट ये ख़राब नहीं है। अगर ये रजिस्टर ख़राब होती तो यहाँ पर जो है इस तरफ से भी हमें एक वैल्यू मिलती, जो कि अभी नहीं मिल रही है। ये इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कैप्चर जो है वो चार्ज है, और क्योंकि ये इसी लाइन से लगा हुआ है तो इस वजह से इसकी रीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है हमें। अब हम इसको ट्रेस करेंगे और देखेंगे ये सर्किट जा कहाँ रहा है, ये वाला जो रजिस्टर है ये जा कहाँ रहा है। उसके बाद हम इसको वापस से बजर मोड पर डाल लेते हैं और यहाँ से अगर चेक करेंगे
तो ये इस ट्रैक पर जा रहा है और ये ट्रैक जो है फिर नीचे की तरफ से चला जाएगा। तो इसको उल्टा कर लेते हैं बोर्ड को, ये देख सकते हैं ये वाला ट्रैक होना चाहिए हमारा, बिल्कुल यही ट्रैक है। और ये जो ट्रैक है इस जगह से जा रहा है, इस जगह पे जा रहा है ये, यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। इसको एक बार इस जगह से ट्रेस कर लेते हैं। ये यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद फिर ये जो है यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ गया है। तो इसको फिर से चेक करेंगे कहाँ पर आ रहा है ये। ये यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद जो है ये इस ट्रैक से यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर आ चुका है और फिर इसके नीचे ये वापस जा चुका है। तो इसको फिर यहाँ से चेक कर लेंगे हम लोग एक बार। ये यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से ये चला गया है इस जगह से सीधा इस जगह पर, इस जगह पर, और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आ गया है। तो इसको फिर यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब रखेंगे इसकी ये आ गया था हमारा। इस रजिस्टर पर आ चुका है ये ट्रैक हमारा। अब इस रजिस्टर पर जो आया है ये हमें यहाँ पर इसका लोकेशन नंबर दिख गया है। आप देखेंगे तो ये है यहाँ पर इसका लोकेशन नंबर है R188। तो ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 10C, इट मीन्स ये 10K की रजिस्टर है। सी मतलब 3 जीरो लगाना है अपने को। तो ये जो रजिस्टर है ये 10K की रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर जो है हमारी पॉजिटिव से आ गई, R1 जिसको हम बोलेंगे, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो सीधा हमारे इस रजिस्टर पर आ रहा है यहाँ पर। और ये रजिस्टर हमारी पॉजिटिव से आ रही है तो ये रजिस्टर हमारी ग्राउंड से आनी चाहिए, तो हम इसको ग्राउंड से चेक करेंगे। तो IPM का ये वाला हिस्सा जो है आपको पता है ये हमारा नेगेटिव होता है, ग्राउंड होता है। तो ये जो रजिस्टर है हमारी ये हमारी आ रही है पॉजिटिव से, इट मीन्स ये R1 है, और ये जो रजिस्टर है हमारी ये आ रही है हमारी ये हमारे ग्राउंड से, तो ये हमारी R2 हो गई। तो अब ये जो रजिस्टर है यहाँ पर हमारा डिवाइडर बनेगा और डिवाइडर बनने के बाद जो इसका डिवाइडेड पॉइंट होगा हमारा, इसको हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो इसका डिवाइडेड पॉइंट है हमारा ये इस डायोड पर चला जाएगा और इस डायोड के बाद ये सीधा MCU के पिन नंबर 85 पर चला जाएगा। इसको हम लोग एक बार डायग्राम पे देख लेते हैं किस तरीके से। तो ये इसका डायग्राम है और ये यहाँ पर हमारा डिवाइडेड पॉइंट हो गया और ये यहाँ से इस डायोड के जो कि D103 है, तो इसका लोकेशन नंबर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये D103 है हमारा। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे डायोड का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये C3, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोड लिखा हुआ है C3, ये इसका SMD कोड है। अगर इसको आप अभी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें बहुत सारे कोड आते हैं अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक सीरीज डायोड है। सीरीज डायोड का मतलब ये है कि एक होता है कॉमन एनोड, एक होता है कॉमन कैथोड, एक होता है सीरीज। तो ये सीरीज डायोड है। अगर ये कॉमन कैथोड डायोड होता तो ये जो जो इसका जो कैथोड यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ होता, मतलब दोनों जो कैथोड होते वो आपस में जुड़े होते। अगर ये कॉमन एनोड डायोड होता तो दोनों के एनोड जो है एक तरफ जुड़े होते। तो यहाँ पर इसका आप देखेंगे एक डायोड का कैथोड लगा हुआ है और एक डायोड का एनोड लगा हुआ है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इस जगह से यहाँ पर ये हमारा जो भी डिवाइडेड पॉइंट होगा उससे ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और ये सीधे चले जाएंगे पिन नंबर हमारे MCU के 85 पर। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भी हमारा जो सर्किट है
यहाँ पर जो बताया गया है कि 3.2 वोल्ट आने चाहिए इस ब्लू डॉट पर, मतलब डायोड के ऊपर वाले पॉइंट पर, ये आ रहे हैं कि नहीं। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में लगे हुए हैं, और ये इस डायोड का आप देखेंगे तो कैथोड जो है यहाँ पर हमारे पॉजिटिव वोल्टेज होंगे, तो यहाँ पर हमारा जो कैथोड है वो जुड़ा हुआ है पॉजिटिव के साथ, और जो इसका एनोड है डायोड का वो जुड़ा हुआ है हमारे ग्राउंड के साथ, तो ये रिवर्स बायस हो गया। अब इसी समय पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है हमारे ये 5 वोल्ट मिलेंगे हमें यहाँ पर इसके कैथोड पर, और इसका जो एनोड है वो लो होगा क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे वो 5 वोल्ट से कम होंगे। ये जो दोनों डायोड है ये एक तरीके के प्रोटेक्शन डायोड है, ये प्रोटेक्ट करते हैं एमसीयू से, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग अगर मान लेते हैं कल को ये रजिस्टर ये वाली ओपन हो जाएगी और यहाँ से अगर वोल्टेज आने की कोशिश करेंगे तो ये डायोड क्या करेगा, यहाँ से इसको फ्लो करा देगा 5 वोल्ट की तरफ, जिससे क्या होगा कि भाई आगे जो हमारा सर्किट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग देखते हैं आगे और किस तरीके से काम हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले अभी हम इसके डायोड के ये वाला जो पॉइंट है डायोड का ये वाला, इस पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज अगर आप देखेंगे, अगर हमें मेन कैप्चर पर 325 वोल्ट मिलते हैं, मतलब 325 वोल्ट मिलते हैं हमें कैप्चर पर, तो हमें इस वाले पॉइंट पर जो हमारा डिवाइडेड पॉइंट है जो डायोड पे जा रहा है और एमसीयू पे जा रहा है उस पर 3.2 वोल्ट मिलेंगे। तो अभी इसको हम लोग सप्लाई देते हैं और एक बार चेक करते हैं कि हमें मेन कैप्चर पर पहले कितने वोल्ट मिल रहे हैं इन दोनों जगह पर। तो सप्लाई दे दी है, मल्टीमीटर को हम लोग डीसी पे डाल रख लेते हैं यहाँ पर, और इस जगह पे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो 336 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, मतलब 336 वोल्ट। और अब जो है यही वाले वोल्टेज जो है हमें इस, ये हमारा नेगेटिव है, हम यहाँ पर रख लेते हैं इसको इस जगह पर, और यहाँ से चेक करेंगे इस वाले पॉइंट पर, तो आप देखेंगे यहाँ हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। डायोड के इस तरफ हमें यहाँ पर ग्राउंड है तो कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो है हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए थे जो कि हमारे डायग्राम में दिए हुए थे। तो ये जो वोल्टेज है हमें मिल रहे हैं, और यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी हमें ये ठीक मिल रहे हैं, 3.2 वहाँ लिखे हुए थे, 3.3 मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है कुछ ज़्यादा है। तो ठीक है, ये तो सर्किट हमारा ठीक है, मतलब इसका प्री डीसी लिंक वाला सर्किट जो है वो ठीक है। अब हम इसका दूसरा सर्किट चेक करेंगे जो कि है हमारा ये हमारा एक डीसी लिंक सर्किट है, इसको अभी हम चेक करेंगे। तो डीसी लिंक सर्किट में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो ये है इसका पॉजिटिव एंड, और पहले जो हमारा प्री डीसी लिंक में सर्किट बना हुआ था वो हमारे ब्रिज के पॉजिटिव से बना था, मतलब इस डायोड से पहले। अब हमारा जो सर्किट है वो इस डायोड के बाद बनेगा, मतलब मेन कैप्चर से, और मेन कैप्चर अगर आप देखेंगे तो ये है इसके मेन कैप्चर जो कि पैरेलल में लगे रहते हैं, ये देख सकते हैं पैरेलल में लगे हुए हैं। और यहाँ से अब जो हमें लोकेशन नंबर मिला है वो है 191, और 1 मेगा ओम के रजिस्टर है, और ये वापस 10K की रजिस्टर आ गई है, फिर वही का वही सर्किट आ गया है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। और यहाँ पर भी हमें बता रहा है कि भाई 3.2 वोल्ट जो है हमें देखने के लिए मिलेंगे, और ये पहले जो हमें प्री डीसी लिंक था उसका हमें 85 नंबर पे आउट इनपुट जा रहा था एमसीयू के, अब यहाँ पर पिन नंबर 89 पे जाएगा। तो अब इसको भी हम चेक करेंगे एक बार। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली रजिस्टर खोजनी है, ये रजिस्टर हमें खोजनी है जिसका कि लोकेशन नंबर 191 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मेन कैप्चर का पॉजिटिव कहाँ कहाँ जा रहा है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो इसका पॉजिटिव एक तो आईपीएम के पॉजिटिव पे जाएगा, एक हमारा एसएमपीएस के लिए जो सप्लाई जाती है उस जगह पे जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब क्योंकि हम इसका डायग्राम बना चुके हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि रजिस्टर कहाँ पर है, बाकी आपको खोजने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये R191 है। अब अगर बोर्ड चेंज होगा तो आपको पता है कि भाई ये सारी चीज़ें भी चेंज हो जाती है। तो ये 191 हमें मिल चुका है, ये भी 1 मेगा ओम के रजिस्टर है, और ये जो रजिस्टर है हमारी इस तरफ हमें मिलेंगे 300 वोल्ट। तो हम लोग चेक कर लेते हैं रजिस्टर के इस तरफ, ये रजिस्टर है हमारा और इस तरफ हमें मिलने चाहिए 300 वोल्ट। तो ये नेगेटिव पर हम रखेंगे मल्टीमीटर को, यहाँ पर रख लेते हैं ताकि आपको सही से दिख पाए।
इस जगह पर और इसके नेगेटिव पर। तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर अभी इसका जो कैप्चर है वो आई थिंक इसने रिले बंद कर दिया है इंडोर से, तो इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लिया है, दोबारा सप्लाई आ चुकी है। अब फिर से हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 333 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब 333 वोल्ट के आसपास। अब ये जो रजिस्टर है हमारी, ये यहाँ से सप्लाई इसकी आउटपुट होगी। ये जो हमारा रजिस्टर है यहाँ पर 300 वोल्ट है, इसकी दूसरी तरफ जो है ये हमारा जुड़ा हुआ होगा एक रजिस्टर के थ्रू, जो कि ग्राउंड से आएगा। ये पॉजिटिव से आएगा रजिस्टर, हमारी R1 हो गई, और ये जो रजिस्टर है ये हमारी R2 हो जाएगी, ये वाली। तो अभी हमें रजिस्टर दूसरी खोजनी है जो कि है 190। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर की मदद से इसको ट्रैक करेंगे कि ये ट्रैक प्रिंट कहाँ कहाँ जा रहा है, और उसके बाद जो है इसको हम देखेंगे कि ये रजिस्टर जो है हमें R190 ये कहाँ पर है, जो कि 10K की होनी चाहिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, सप्लाई निकाल देते हैं पहले, और मल्टीमीटर को जो है यहाँ पर बजर मोड पर सेट करेंगे। मल्टीमीटर बजर बोर्ड में आ चुका है हमारा, और ये अगर आप इसको नोट करेंगे तो ये जो ट्रैक है इसका, ये इस जगह पे गया और ये सीधा फिर जो है नीचे की तरफ आ गया है। तो इसको फिर हम नीचे की तरफ से देखेंगे, तो ये जो ट्रैक है हमारा इस जगह पे आ जाएगा, और फिर ये इस जगह से ये सबसे लास्ट वाला ट्रैक जो है वो हमारा है, इसको हमें खोजना है ये कहाँ पर जा रहा है। तो ये चला जाएगा सीधा हमारे इस वाले पॉइंट पे। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है, इसको एक बार हम रजिस्टर के दूसरी तरफ से भी चेक कर लेंगे। ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है, मतलब ये प्रिंट हम सही जा रहे हैं अभी। और फिर जो है ये ट्रैक हमारा पीछे की तरफ आ गया है, तो अब इसको हम पीछे की तरफ से देखेंगे। और पीछे की तरफ से जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलेगा ये जो ट्रैक है हमारा इस कैप्चर के पास आया है, ये जो कैप्चर लगा है इसके पास आया है। तो इसको हम लोग देखते हैं अभी दोबारा से। ये और ये जो है फिर यहाँ से इस जगह से इस कैप्चर के नीचे से होता हुआ जा रहा है। तो इसको मैं पहले ट्रैक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कहाँ जा रहा है ये। तो ये इस पॉइंट से, यहाँ पर इसका पॉइंट है, और ये यहाँ पर आ चुका है और इस जगह से जा रहा है ये। ये कैप्चर के नीचे से होता हुआ ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ये वाला ट्रैक, ये ट्रैक है हमारा, ये इधर से गया, और ये फर्स्ट वाला जो ट्रैक है ये हमारा है, इस जगह पे गया, ये इस जगह पे गया और चला जाता है इस रजिस्टर पर। और आप देख सकते हैं हमें जो दूसरी रजिस्टर थी जो कि R190 थी वो हमें मिल चुकी है, और ये भी 10K की रजिस्टर है, और इसका जो आउटपुट है हमारा चला जाएगा इस डायोड के ऊपर। और इस डायोड का जो लोकेशन नंबर है अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है D104। तो अभी हमें इसी को देखना है कि ये जो सर्किट है ये ठीक है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर रख लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं जो हमने ट्रैक किया है वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर इसको रखेंगे, मल्टीमीटर बजर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे इस जगह पे हमारा मल्टीमीटर जो है इसने बज़र दे दिया है, मतलब हमने जो ट्रैक आइडेंटिफाई किया है वो हमारा सही है। अब ये हमारी यहाँ के लिए R1 हो गई है, और ये जो रजिस्टर है ये हमारे ग्राउंड से आएगी, तो ये हमारी R2 हो गई इस जगह पर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइडर का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। और उसके बाद जो है ये हमारी चली जाएगी इस डायोड के एक पॉइंट पर, और फिर चली जाएगी हमारे MCU के पिन नंबर 89 पर। तो अभी हमें इसको चेक करना है, इस टेस्ट पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं।
तो यहाँ पर इसके टेस्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि हमें इस डायोड के इस वाले पॉइंट पर, जो C3 डायोड है 104D104, उसके ऊपर वाले पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे हमें मिलेंगे 3.2 वोल्ट। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि 3.2 वोल्ट हमें मिल रहे हैं कि नहीं। तो इसको सप्लाई देंगे हम लोग एक बार। सप्लाई हमने इसको भी दे दी है। सप्लाई देने के बाद हम देखेंगे कि इसको कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसका जो पूरे बोर्ड का जो फ्लोटिंग राउंड है वो एक ही होता है, तो इसको यहाँ से पकड़ लेंगे और इस जगह पर मल्टीमीटर को सेट करके, इस डायोड पर तो हम चेक कर चुके थे 3.3, ये सही है। इस डायोड पर हमें मिल रहे हैं 4.984 वोल्ट, मतलब करीब 5 वोल्ट के आसपास। और इस में दिया गया है कि हमें मिलने चाहिए थे 3.2 वोल्ट टेस्ट पॉइंट पर। इसका मतलब हमारे जो वोल्टेज है वो ओवर है। इसकी वजह से MCU को ये लग रहा है कि भैया जो इनपुट में वोल्टेज है वो ज़्यादा है। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये ज़्यादा क्यों दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जो 10K की रजिस्टर हमारी लगी हुई है यहाँ पर, ये वाले रजिस्टर, इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी तो भी यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो इसको हम लोग सप्लाई निकालते हैं पहले और यहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे रखेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसको चेक करेंगे R190। तो ये कैप्चर चार्ज होने की वजह से हमें जो है ओवर रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसको उल्टा करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमें 570 ओम शो कर रहा है। तो कोई भी रजिस्टर की वैल्यू तो हमेशा हाई होती है, लो तो कभी होती नहीं है। तो इसको हम लोग ओपन करके चेक करेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो अगर आप अभी देखेंगे तो इसकी रजिस्टर की जो एक लेग है वो हमने यहाँ पर अलग कर दी है। अब इसको हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे एक बार। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 10K जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, मतलब रजिस्टर हमारी ठीक है। अब हम आगे लगे हुए कंपोनेंट चेक करेंगे। तो आगे तो इसके बाद जो है हमारा आपको देखने के लिए मिलेगा, ये डायोड लगा हुआ है। इस डायोड को चेक करेंगे, इस वाले डायोड को। तो अगर आप देखेंगे तो एक का कैथोड है इस वाले पॉइंट पे, एक का एनोड है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर लेंगे जिसका कैथोड है। तो हम लोग इस वाले को, मल्टीमीटर को डायोड पे डालेंगे। और इधर आप देखेंगे तो इसका सिंबल बना हुआ है ऑलरेडी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग ऊपर एक बार कैथोड रखेंगे और इस वाले डायोड को चेक करेंगे। इसके अंदर एक डायोड इधर है, एक डायोड इस तरफ है। तो इसको हम लोग टेस्ट करते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें 0.500 मिली वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप जो है यहाँ पर शो कर रहा है। इसको एक बार हम लोग रिवर्स बायस में चेक करेंगे। तो ये हमें कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, मतलब ये डायोड हमारा ठीक है। और क्योंकि बोर्ड में लगा हुआ है तो ये इस तरीके से अगल बगल वाले जो कंपोनेंट लगे रहते हैं उसकी भी हमें रीडिंग दिखा देता है। तो एक तरफ हमें इसने डायोड की रीडिंग दे दी है, इसका मतलब ये डायोड ठीक है। आप देखेंगे दोबारा, ये देख सकते हैं। और ये भी थोड़ा सा हीट है इसलिए इसकी रीडिंग जो है धीरे धीरे, जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी यहाँ पर रीडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कंपोनेंट अभी हीट है, अभी यहाँ SMD चलाया अपन ने इसलिए ये प्रॉब्लम आई। अभी ये वाला डायोड को चेक करेंगे तो आप देखेंगे इसका इस जगह पर एनोड है और इस जगह पर यहाँ पर आप देखेंगे तो कैथोड है। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीमीटर यहाँ पर देख लेते हैं इसको। यहाँ पर इसका एनोड है, इसका कैथोड है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 315, मतलब 300 मिली वोल्ट का ड्रॉप। इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हमें ये जो रीडिंग है ये थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें जो दोनों डायोड की रीडिंग होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। एक काम करते हैं, इस डायोड को यहाँ से बाहर निकालते हैं पहले।
और इस रजिस्टर को वापस लगा देंगे। ये डायोड को हमने यहाँ पर निकाल के रख लिया है कैप्चर के ऊपर, और इस रजिस्टर को हम लोग जो है अपनी जगह पर वापस लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ये डायोड अलग कर लिया है, इस जगह पर आप देखेंगे ये डायोड हमने अलग कर लिया है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे गौर से तो एक निशान सा भी पड़ गया है, ये जैसे ये जल सा गया हो इस तरीके से। और इस जगह पर रजिस्टर हमने लगा ली है और डायोड निकाल लिया है। अब इस डायोड को हम इसी तरीके से चेक करेंगे बाहर रख करके। तो मल्टीमीटर को डाल लेते हैं वापस से, ये डायोड मोड पर ही मल्टीमीटर हमारा। एक का कैथोड था हमारे इस जगह पर, तो इसको चेक करेंगे। तो ये जो रीडिंग है ये हमें अभी ठीक दिखा रहा है, इसको उल्टा चेक करेंगे तो ये कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, मतलब ये वाला डायोड हमारा ठीक है। अब उसी जगह पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक डायोड का एनोड था इस वाले डायोड का, इसको चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर रीडिंग मिल रही है 315। और यहाँ पर अगर इसको उल्टा चेक करेंगे तो मिल रही है 277, मतलब ये डायोड हमारा लीक हो गया है, जिसकी वजह से ये हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 5 वोल्ट है, यहाँ पर ग्राउंड है जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। तो ये जो 5 वोल्ट है ये डायोड लीक हो गया है, तो ये जो 5 वोल्ट है ये यहाँ पहुँच जा रहे हैं, जिसकी वजह से MCU को हाई सिग्नल मिल रहा है और इसको पता चल रहा है कि भैया इनपुट में जो वोल्टेज है वो बढ़ रहे हैं या कैप्चर पर जो वोल्टेज है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर इस डायोड का मैं आपको नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ पहले एक बार, ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आए कि इसमें कौन सा नंबर लगा हुआ है। तो इसको क्लीन कर लेते हैं पहले, क्लीन हो गया है ये। अगर आपको इसमें दिख रहा होगा तो इस पर लिखा है C3, C3 का कोड लिखा है इसमें। देख सकते हैं C3, अभी C3 तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास इसमें दूसरा डायोड है। तो हम लोग यहाँ पर जो दूसरा डायोड यूज़ करेंगे वो T3 यूज़ करेंगे। आपने कोई सा भी डायोड यूज़ कर लेना है। यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है ये एक स्विचिंग डायोड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास ये C3 कोड का डायोड नहीं है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे T3। और T3 का मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जो हमारे पास अभी डायोड है ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास डायोड सारे, और यही हम लोग मंगाते हैं क्योंकि यही मिल रहा है मार्केट में अभी। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये है T3, मार्किंग कोड है इसका T3, और ये जो है इंटरनल इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। आप देखेंगे ये सीरीज डायोड हो गया, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसके एनोड पे इसका कैथोड जुड़ा हुआ है। अगर इसका कैथोड भी इस तरफ होता तो ये एक कॉमन कैथोड डायोड कहलाता, और अगर इसका एनोड इस तरफ होता तो ये कॉमन एनोड डायोड कहलाता। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो चेंज करते हैं, मैं आपको डायोड जो है वो दिखा देता हूँ पहले जो हम इसके अंदर अभी लगाने वाले हैं। तो डायोड हमारा गिर गया है हाथ से छूट करके यहाँ पर।
इस जगह पर, और अगर इसका मैं आपको नंबर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे ये एक T3 डायोड है, T3 इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेते हैं। तो डायोड जो है हमने यहाँ पर लगा दिया है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। डायोड लगाने के बाद जो है हमने इसको अभी क्लीन कर लेना है, तो क्लीन कर लिया इसको। और अगर आप देखेंगे तो जो डायोड है हमारा इस जगह पर अभी लग चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग दोबारा से सप्लाई देंगे, सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी है। और इसके बाद जो है हम लोग इस जगह पर वोल्टेज चेक करेंगे, ये है हमारा मल्टीमीटर, इसको डीसी मोड पे सेट कर रखा है हमने। और अब चेक करेंगे इसमें, तो ये वाले पॉइंट पे चेक करना है हमें, इस वाले पॉइंट पे। और ये एमिटर इसका ग्राउंड है, तो आप देखेंगे अभी हमें यहाँ पर वोल्टेज जो है वो परफेक्ट मिल चुके हैं। अब ये एरर तो मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको दोबारा से इंडोर से बंद करेंगे, क्योंकि हमें कंप्रेसर जो है वो तुरंत स्टार्ट करना है। इसको यहाँ पर रख लेते हैं और इसके कैप्चर का डिस्चार्ज होने का हम लोग वेट करते हैं। अभी ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है, ये जिस समय बंद हो जाएगी इसका मतलब इसका कैप्चर डिस्चार्ज हो गया है। फिर इसको एक बार चेक करेंगे दोबारा से, तो कैप्चर इसका अभी डिस्चार्ज हो गया है। इसको दोबारा सप्लाई देंगे, इसमें एक बार लाइट आके चली गई है, स्टैंड बाई में अभी ये, इसको रिलीज़ कर दिया स्टैंड बाई से। 24 डिग्री टेम्परेचर हमारा अभी यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसका हम देखेंगे कि कुछ 30 सेकंड के अंदर जो है इसका कंप्रेसर पे आउटपुट आना चाहिए और जो हमारा एरर था वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो कंप्रेसर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ये इसकी UVW मोटर है जो, ये भी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी हम लोग यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे एक बार दोबारा से रनिंग सर्किट में। ज़्यादा देर हम चला नहीं सकते, IPM हमारा बिना हीट सिंक के है, 3.2 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको एक बार बंद कर देते हैं, इसको हमने बंद कर दिया है। तो ये जो P1 का एरर था ये यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हमने इस PCB को अभी कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।